हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरकारी नोटिफिकेशन में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोअर पीसीएस का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप सभी लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। 19 जुलाई 2019 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 22 परीक्षा 2016 द्वारा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 द्वितीय के अंतर्गत विज्ञापित विभिन्न विभागों में रिक्त 641 पदों का चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में सूचना। तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा दिनांक 28/7/2019 रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 तक आयोजित की जाएगी और यह एक ही पाली में होने वाली है और यह भी 19 जुलाई 2019 को पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी। आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इसकी वेबसाइट है upssc.gov.in। तो आइए इसकी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, हम एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसके न्यूज और अलर्ट में नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है जिस पर न्यू का लोगो ब्लिंक हो रहा है। इसी पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, इसमें ही हमें क्लिक करना है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने ये पेज खुल कर आ गया। हमें यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है यहाँ पर, और इसमें जो कोड दिया गया है उस कोड को यहाँ पर वेरीफाई कोड डालना है, और उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है और यहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यदि आप अपना एडमिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर खो चुके हैं तो आप नीचे यहां देखिए लिखा हुआ है कैन नाउ यूअर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप यहां पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे, हमारा अगला पेज खुल जाएगा और यहाँ पर हम अपनी फुल डिटेल डालकर रजिस्टर नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट नाम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद हम जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे, हमारे इससे पहले जितने भी रजिस्टर किए गए हैं UP SSC पर सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर खुल जाएगा और हम वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य डिटेल ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही इस पर लाइव ऑनलाइन GK क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।